आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस का यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए खुशखबरी है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आए सीए जय गुलिया जी, डायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट। सर आज आपको बुलाया है बहुत ही विशेष मुद्दे के लिए। जी सर, आप लोगों को पता है टैक्स ऑडिट का सीजन चल रहा है, सब लोग टैक्स ऑडिट में बिजी है, चाहे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे एडवोकेट है, चाहे कोई भी प्रोफेशनल है, 30 सितंबर तक सब लोग बिजी है। बिल्कुल सर, कोई 20 टैक्स ऑडिट कर रहा है, कोई 40, कोई 60, ठीक है ना, 60 से ऊपर कर नहीं सकते, लिमिट है, ठीक है। लेकिन टैक्स ऑडिट करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखें, इसके बारे में हमारे दर्शकों को, हमारे सब्सक्राइबर को बताएं। जी सर, सबसे पहली बात तो ये कि आप सर, आपको ही पता होगा और दर्शकों को तो पता ही होगा कि हर साल से टैक्स ऑडिट करते आ रहे हैं कई सालों से, कि हमारे टैक्स ऑडिट में तीन वो होते हैं, 3CA, 3CB, 3CD। जी, 3CD बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट है वो मैं आप लोगों को बता दूं, वो CA का डॉक्यूमेंट नहीं है। बिल्कुल, वो एक SSC का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो उसमें जो भी चीज लिखी जा रही है वो SSC के द्वारा लिखी जा रही है, ठीक है, और CA उसको सिर्फ सर्टिफाई करके दे रहा है। ओके, तो सबसे पहले कई बार क्या होता है, क्लाइंट के साथ झगड़े की सबसे मेन वजह, या टैक्स ऑडिट अगर किसी CA के पास से जाता है किसी और CA के पास, तो मेन वजह यही रहती है, CA कहता है कि ये आप चीजें इसमें लिखो, क्लाइंट कहता है ये चीजें हम नहीं लिखेंगे। ओके, देखिए अगर बाय चांस 3CD में कुछ भी क्लाइंट लिखता है तो आप उसको बिल्कुल वो ना करें। अगर आपको उस पर कुछ कमेंट डालना है तो 3CA के पॉइंट नंबर 3 या क्लोज नंबर 3 में, और जो 3CB का पॉइंट या क्लोज नंबर 5 में आप अपना ऑब्जर्वेशन मेंशन कर दें। बिल्कुल ठीक, आप इस चीज को बिल्कुल ना माने कि 3CD आपका डॉक्यूमेंट है, वो SSC का डॉक्यूमेंट है। अगर वो कुछ लिखता है और आपका उससे पॉइंट डिफर करता है, व्यू डिफर करता है, तो आप सीधा अपनी ऑब्जर्वेशन में डाल दें। ओके, सबसे मेन बात तो ये होगी, आपका और क्लाइंट का झगड़ा ही नहीं होगा, मेन झगड़ा ही खत्म हो गई, क्लाइंट भी खुश, आप भी खुश, क्योंकि आपकी ड्यूटी थी कहीं ना कहीं आप उसको मेंशन करो। और हमारा इंस्टीट्यूट भी कहता है कि आप लिख दो। बिल्कुल, जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही या एक्स्ट्रा समझ में आ रही या कुछ बताना भी आप, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी पॉइंट है तो आप उसको लिखते रहो। सही बात है, तो ये तो होगी सर एक पॉइंट। तो अब यहाँ पर इस बात को हमें समझना है कि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन थी कि 3CD CA को भरना है। जी, अब ये कंफ्यूजन दूर हो गई। मैं तो ये कहूंगा आज ही क्या करो, जितनी भी 3CD का फॉर्म है जिसमें क्लोज 44 तक है, सारी की सारी क्लाइंट को मेल कर दो, और मेल करके कह दो कि काइंडली फिल दिस फॉर्म, क्योंकि दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उसका रिएक्शन चेक करना, उसे 44 क्लोजर्स को पढ़ने में ही सब टाइम लग जाएगा, उसे तो समझ ही नहीं आएगी, तो ये क्लाइंट कैसे भर पाएगा, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो फिर आपको अप्रोच करेगा, अरे सीए साहब हमारे बस की नहीं है भरनी, आप भी भर दो, 2-4-10 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा ले लेना। तो पहली बात आपको ये समझनी है, आपको अपना दायित्व समझना है कि आपका दायित्व क्या है और क्लाइंट का दायित्व क्या है। बुक्स बनाना भी क्लाइंट का दायित्व है और फॉर्म 3CD भरना भी क्लाइंट की जिम्मेदारी है। सर इसके अलावा सर एक हमारा क्लोज आता है, क्लोज नंबर 11, जहाँ पे मैं ये मेंशन करता हूँ जी, कि या SSC मेंशन करता है बजाय इसके कि मैं मेंशन, क्योंकि मैं अभी हमने बताया कि 3CD क्लाइंट का डॉक्यूमेंट। बिल्कुल ठीक है, तो क्लाइंट वहाँ पे वो मेंशन करता है कि अब बुक्स कहाँ पे रखी गई है, एड्रेस मेंशन करता है अपने क्लोज नंबर 11 में। अभी सर क्या हो रहा है, जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, जैकलिन फर्नांडिस वाला जो केस चल रहा है, गिफ्ट का केस है, अगर बाय चांस मान लो उस पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता, या जैकलिन की बजाय कोई और एग्जांपल ले लेते, किसी भी बड़े क्लाइंट का ले लेते, अगर उस पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है और वो किसी फ्रॉड में फंस गया है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग में या किसी भी केस में, और अगर ED की और इनकी आपके ऊपर इंक्वायरी आ गई, ठीक है, और आपने अपने पॉइंट नंबर 3CA का और पॉइंट नंबर 5 3CB का ये मेंशन नहीं किया कि ये जहां पे भी ये बुक्स रखी गई हैं, यहाँ पे मैंने पर्सनली जाके विजिट नहीं किया है, ठीक है, तो ये CA को सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है। ओके, तो एड्रेस के लिए आप प्रॉपरली मेंशन कर दें ऑब्जर्वेशन क्लोज में कि डॉक्यूमेंट डाटा मेरे पास आया था मेरे ऑफिस में, मैंने उसका जहां वहां पे जाके विजिट नहीं किया। Okay. ये चीज मेंशन नहीं करते हैं, बहुत से CA मेंशन नहीं करते हैं, तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि आप पर्टिकुलरली ये मेंशन करें कि हमने क्लाइंट का ऑफिस विजिट नहीं किया है। कई बार क्या है सर, आजकल GST में भी देख रहे हैं कि बोगस क्लाइंट बहुत हैं, वहां पे जाते हैं, एड्रेस जाते हैं, कुछ मिलता ही नहीं है, तो हो सकता है आपके पास रेफरल से कोई ऑडिट आए, टैक्स ऑडिट आए, और आप कहो कि चलो जी मेरे पास डाटा आ गया और आपने करके दे दिया, किसी के थ्रू आया था, एडवोकेट के थ्रू आया था, अकाउंटेंट के थ्रू आया था, आपने ऑफिस देखा नहीं, वहां पे क्लाइंट है ही नहीं, तो आप ये जरूर मेंशन कर दें कि डाटा हमारे ऑफिस में आया था, हमने उसके बेस पे हम ये सर्टिफाई कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, हमने विजिट नहीं किया है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है, क्लोज 11। इसमें क्या होता है, जो असेसी का एड्रेस होता है जहां पर बुक्स रखी हुई है वो हम मेंशन करते हैं। तो अगर आपने उस एड्रेस को कभी देखा ही नहीं, कभी विजिट ही नहीं करा, हो सकता है वो एड्रेस हो खोली नंबर 420 कब्रिस्तान के पीछे, ठीक है, और आपने साइन कर दिए, तो यहाँ पर आपको बुलाया जा सकता है कि भाई जब तुम वहां पर गए थे तो हमें भी लेकर चलो, ऐसी कौन सी जगह थी। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि मैं भूल गया उस एड्रेस को, मुझे तो पता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्लोज 11 के अंदर अगर आपने एड्रेस पर विजिट नहीं किया है तो आप ये मेंशन कर दे कि ये एड्रेस पर क्लाइंट कह रहा है बुक्स मेंटेन है, लेकिन ये सारी बुक्स मैंने अपने ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू मंगाई या लेकर आया, लेकिन मैं वहाँ कभी नहीं गया। अगर आप वहाँ पर कभी गए हैं तो आपको ईडी को या जीएसटी डिपार्टमेंट को किसी को भी वहाँ पर लेके जाना पड़ सकता है। सर भगवान ना करे किसी भी क्लाइंट का, कोई आपका बड़ा क्लाइंट है या छोटा भी क्लाइंट है, अगर बाय चांस ईडी का नोटिस आ जाता है तो सर 3-3 घंटे की जो उनको बाहर बिठा के डराते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आपके सामने किसी को 2-4 थप्पड़ लगा देते हैं और किसी बंदे को आपको डराने के लिए, तो हालत टाइट हो जाती है। इन सब चीजों से बचने के लिए आप अपना सेफ रहें, आप सेफ रहेंगे तब भी सब कुछ ठीक रहेगा, वरना इंस्टीट्यूट भी नहीं बचा पाएगा। जी सर, इसके अलावा और कोई क्लोज में जो आप बताना चाहें? सर 40 जो क्लोज है हमारा, वहाँ पे बहुत से सीए या फिर एडवोकेट्स जो भी फिल करते हैं या फिर क्लाइंट मैं बात करूं, कई बार क्या मिस्टेकली गलती कर देते हैं। क्लोज 40 का जो पॉइंट नंबर डी है, जहाँ पे मैं स्ट्रोक डिवाइड बाय टर्नओवर लेता हूँ, रेशो निकालता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्ड है स्ट्रोक इन ट्रेड, राइट, लेकिन वहाँ पे क्या कई बार क्या होता है कि हम डाल देते हैं सारा का सारा स्टॉक, ओके, सारे के सारे स्टॉक में कौन सा WIP जो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स जो मेरा बन के तैयार हो गया, और रॉ मटेरियल जो मेरे पास रॉ मटेरियल भी पड़ा हुआ था, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली वहां पे ये मेंशन है कि आपको सिर्फ वहां पे स्टॉक इन ट्रेड डालना है, ठीक है। अब दिक्कत कहां आएगी, अब अगर आपने वहां पे स्टॉक इन ट्रेड डाल दिया, ठीक है, तो क्लाइंट सीधा सीधा बोलेगा सर मेरी जो सीसी की लिमिट चल रही है, हाँ। बैंक देखेगा सीधा क्लोज नंबर 40 से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से किस बंदे के पास स्टॉक कितना है, हाँ। तो दिक्कत वहां पे आती है, क्लाइंट सीधा सीधा आपको मना कर देगा, हाँ। फिर वही डिस्प्यूट होगा क्लाइंट का और सीए का, हाँ। कि जी क्लोज नंबर 40 और पॉइंट नंबर डी में कितना स्टॉक डाले, वो तो बढ़ा के डालेगा अपना रॉ मटेरियल भी सब कुछ डाल देगा, तो आपके पास हथियार फिर वही है 3CA का पॉइंट नंबर 3, 3CB का पॉइंट नंबर 5। वहां पे आप मेंशन कर दे कि जी क्लाइंट ने सारा का सारा स्ट्रोक लिया, बट एज पर माय व्यू वहां पे स्ट्रोक इन ट्रेड आना चाहिए था, बिल्कुल ये एक स्ट्रोक इन ट्रेड। अच्छा, इसके ना साथ साथ में ये भी बताना चाहूंगा, स्टॉक को लेकर ना दो क्लोजेज है, एक तो जो सर ने बताया रेशियो वाली, एक हमारी जो क्लोज होती है सर आई थिंक 34 या 35 क्लोज होती है, उस क्लोज में भी स्टॉक की डिटेल जाती है क्वांटिटी वाइज, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशनल्स उस क्लोज को नहीं भरते। और कल को अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि भाई जो स्टॉक आपने अपनी बैलेंस शीट में दिखाया है 35 लाख 40 लाख 50 लाख, उसकी बायफर्गेशन दे दो कि ओपनिंग में कितना था, परचेज कितना करा, सेल कितना करा, वो डिटेल बहुत सारे नहीं डालते, कह देते हैं कि एज पर नेचर ऑफ एसेसी दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन भाई आप ऐसा नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, आपको ये सारी डिटेल क्लाइंट से लेनी है, क्योंकि जीएसटी में भी स्टॉक की डिटेल चाहिए। तो अगर आपने जीएसटी में नहीं ली है तो आप यहां पर आपके पास सुनहरा मौका है कि आप वो डिटेल क्लाइंट से ले और उस क्लोज को प्रॉपर फिल जरूर कराए, नहीं तो इन फ्यूचर आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर एक स्टॉक एक ऐसी आइटम होता है जिसमें सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होती है। अगर प्रॉफिट बढ़ाना स्टॉक बढ़ा दो, प्रॉफिट कम करना स्टॉक कम कर दो। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आपको मुसीबत ना आए, तो वो जो हमारी क्लोज है स्टॉक वाली, वो आप जरूर फिल करें, और यहाँ पर जो सर ने बताया है क्लोज 40 में भी सही से दिखाए। सर इसमें मैं दो पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। एक तो सर ने बताई दिया ऑलरेडी कि आप ये नहीं कह सकते कि यार ये मेंटेन नहीं था या क्लाइंट का नेचर ऐसा है, क्योंकि स्टॉक क्या है कि एक मटेरियल आइटम, P&L का मटेरियल आइटम है, एक बहुत बड़ा आइटम है, मेजर आइटम है, क्योंकि बंदा स्टॉक में ही डील करता है। तो आप ये कह के नहीं बच सकते कि ये मेंटेन नहीं था या क्लाइंट का नेचर ऐसा था, पहली बात तो सर ने डिस्कस कर दी। दूसरी बात ये कि कई बार क्या होता है कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन में लिख देते हैं कि स्टॉक स्टेटमेंट नॉट मेंटेन्ड बाय द क्लाइंट। अब देखिए इसी चीज को मैं घुमा फिरा के लिख सकता हूँ, वो क्या होता है वहां पे क्लाइंट के लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। अगर मैं देखिए दो बातें हैं, अगर मैंने लिख दिया स्टॉक स्टेटमेंट नॉट मेंटेन्ड बाय क्लाइंट, हालांकि उसने मुझे दिया नहीं दिया ये सेकेंडरी मैटर है, अगर मैंने ये लिख दिया नॉट मेंटेन्ड बाय क्लाइंट और बाद में अगर केस निकलता है
तो डिपार्टमेंट भी कहेगा इस क्लाइंट ने मेंटेन ही नहीं किया, तो आपने ऑडिट किस बात का किया है? सही बात तो है। उसकी बजाय आप शब्द लिखें स्ट्रोक स्टेटमेंट नॉट प्रोवाइडेड टू अस, बिल्कुल नॉट शोन टू अस, ताकि बाद में कभी केस खुले तो उसमें आप भी सेफ रहे और क्लाइंट भी सेफ रहे, ताकि बाद में तो कम से कम वो प्रोवाइड कर दे डिपार्टमेंट को स्ट्रोक की, तो ये आपके लिए भी अच्छा और अपने क्लाइंट के लिए भी, आपके लिए आपके क्लाइंट के लिए भी बेटर रहेगा। सर इसके अलावा और कोई क्लॉज जिस पर हमें फोकस करना चाहिए? सर एक नया क्लॉज आया है 44, वो एप्लीकेबल है क्या इस बार? हाँ बिल्कुल। और अगर वो क्लॉज एप्लीकेबल है तो जो लोग कह रहे हैं 60-60 ऑडिट कर रहे हैं, क्या वो कर पाएंगे? सर देखिए इसमें क्या है कि जिस डेट पे आज हम बैठे हैं वो पॉसिबल है ही नहीं, वो इतना बायफर्केशन, तो नॉट एप्लीकेबल लिख दो उस पे। नहीं नॉट एप्लीकेबल नहीं लिख सकते। हाँ। आपको मेंशन तो करना पड़ेगा सर, ठीक है, आपको जो जो क्लॉज 44 में दिया गया है, हाँ। रजिस्टर से क्या खरीदा, अनरजिस्टर्ड से क्या खरीदा, वो सारे का सारा ब्रेकअप आपको देना है। हाँ। और टोटल कितनी पेमेंट की, इसका क्या है कि सर सिंक्रोनाइज ये जरूर होगा जीएसटी से, कहीं ना कहीं जो बोगस बिलिंग है आपकी जीएसटी में वो यहाँ से जो पॉइंट नंबर 6 है टोटल पेमेंट टू रजिस्टर्ड एंटिटी, कहीं ना कहीं इस चीज से वो लिंक करके सिंक्रोनाइज करके कहीं नहीं, लेकिन यहाँ पर कंपोजिशन का डेटा कैसे निकाले? कंपोजिशन का तो हमने डाला ही नहीं कि ये कंपोजिशन वाले। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, या तो देखिए दो तरीके, या तो आप खुद मेंटेन कर लीजिए, आज इस डेट पे खड़े हैं बहुत मुश्किल है कि आप इतनी बायफर्केशन डिटेल करें। दूसरा या आप पेड हायर कर लीजिए, स्टाफ हायर कर लीजिए एक दो महीने के लिए, क्योंकि इसके बाद फिर आपका जीएसटी ऑडिट भी है, उसमें भी आपको बायफर्केशन की जरूरत पड़ेगी। तो या तो कचरा अभी साफ कर लीजिए, नहीं तो अभी आप अपनी ऑब्जर्वेशन में जो पॉइंट डालना चाहे डाल सकते हैं, यहाँ पे जैसे भी बायफर्केशन डालनी आप लोग डाल सकते हैं और आप अपना ऑब्जर्वेशन में डाल दीजिए उसको। तो सर मैं आपको बता दूं, ये तो हमने 3-4 पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं जी, जी। लेकिन अभी ना हमने ना 3 घंटे का सेशन करा था सर, ये मेरा मिस हो गया, तो क्या इसको कैसे मैं देख सकता हूँ? अगर बाई चांस मुझे ही देखना पड़ेगी दोबारा, अगर मैं देखना चाहूं, अगर देखो पहली बात ना 3 घंटे का सेशन था, ये चला 3.5 घंटे और इसमें ना हमने काफी सारी क्लोजेस को डिस्कस करा और इसमें लगभग हमारे 90-95 पार्टिसिपेंट्स थे। हमने क्या करा है इसकी ना रिकॉर्डिंग कर ली है और रिकॉर्डिंग करके ना क्लास प्लस के ऐप है हमारा, ठीक है ना, क्लास प्लस ने डेवलप करा है, लेकिन अगर आप प्ले स्टोर पर केजे क्लासेस के नाम से जाओगे तो वहां पर हमारा ऐप आप डाउनलोड कर लोगे, उस पर ये आपको मिल जाएगा कोर्स और आप इसे अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। और हमारे ऐप पर ना हमारे फ्री कोर्सेज भी हैं जीएसटी के, हमने लगभग 10 घंटे के फ्री कोर्सेज दिए हैं, आप हाँ जी आप उसे देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर कोर्स को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सर इसका कोर्स में तो हो गया, वेबिनार में भी हो गया, हमने वीडियो भी बना दी, तो मैगजीन में भी कुछ आ रहा है कि नहीं? अब ये देखो कल या परसों के अंदर ये मैगजीन आपको मिल जाएगी, हमारी मैगजीन में भी आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल कंप्लीट है, तो इसमें हमने यहाँ पर फॉर्म 3CD को दिया है, ठीक है ना, तो हमारा ये सारी चीजों में आ रहा हर जगह अवेलेबल है, मैगजीन में भी, वेबिनार सेमिनार में भी, यूट्यूब पे भी, हर जगह बिल्कुल हर जगह अवेलेबल है, ठीक है ना। तो सर इसमें और कुछ कहना चाहेंगे हम इस वीडियो को? तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि टैक्स ऑडिट में आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाए, जिससे आप अपने क्लाइंट से अच्छी फीस ले पाए। और आज मुझे ये उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी फॉर्म 3CD को क्लाइंट को भेज देंगे और लिख देंगे कि काइंडली फिल दिस फॉर्म बिकॉज यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइलिंग दिस फॉर्म। चलिए इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।